अगर जहनी बीमारी में मुबतला हर शख्स के जहनी सेहत पर तवज्जो दी जाए और इलाज कराया जाए तो वो अपने घर और माशरे का कारामद फर्द बन सकता है। इन ख्यालात का इजहार मैनेजिंग डायरेक्टर कराची नफसियाती अस्पताल डॉक्टर सैयद अब्दुलरहमान ने अपनी गुलशन इकबाल की ब्रांच के इफ्तिताह के मौके पर किया। उन्होंने कहा कि 25% आबादी जहनी अमराज से मुतासिर है, यानी हर 4 में से एक शख्स जहनी बीमार के असरात में होता है। जहनी मसाइल का निशाना तो सब बनते हैं, ताहम हम ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। बाज़ औकात उनके घर वाले भी उनकी जहनी कैफियत से ला इल्म रहते हैं। उनमें कुछ लोग खुदकशी पर भी आमादा हो जाते हैं। पाकिस्तान में 5 से 6 करोड़ अफराद जहनी मर्ज में मुबतला हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 70% किसी भी मालिज के पास नहीं जाते हैं। ये रिसर्च से साबित है कि पूरी दुनिया में बशमूल पाकिस्तान 25% आवाम होती है जो नफसियाती बीमारी का शिकार होती है। ये 25% मतलब कि हर चौथा फर्द, अगर घर में 4 लोग रहते हैं तो मतलब कि एक बंदा किसी ना किसी नफसियाती बीमारी का शिकार है। ये 25% का फार्मूला आप पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम पर लगा दें तो 5-6-7 करोड़ तो बनता है। तो ये बहुत बड़ी तादाद है नफसियाती बीमारियों की, जिसकी तशखीस और इलाज होने की सख्त ज़रूरत है। और शायद इसी वजह से कि यहाँ पे नफसियाती बीमारियों की आगाही नहीं है और इलाज का भी फुकदान है। तो WHO की रिपोर्ट है कि रोज़ पाकिस्तान में हर घंटे एक शख्स खुदकशी कर रहा है, मतलब कि 24 घंटे में 24 खुदकशियाँ पाकिस्तान में रोज़ होती हैं। तो ये बड़ा अलार्मिंग नंबर है और ये सिर्फ जहनी बीमारियों की वजह से होती है। तो हमारी आवाम को ये समझने की ज़रूरत है कि नफसियाती बीमारियाँ भी जिस्मानी बीमारियों की तरह होती हैं, जैसे दिल गुर्दे फेफड़े में बीमारी हो सकती है और आप शर्म महसूस नहीं करते उसका इलाज कराने में। दिमाग बेचारा भी इसी जिस्म का हिस्सा है, इसमें बीमारियाँ हो सकती हैं। इसके हवाले से बात करूँ कि हमने पहली दफ़ा गुलशन में ये ब्रांच खोली है ताकि हम शहर के दूसरे लोग, ख़ास तौर पर गुलशन की जो आवाम है, उनको क्वालिटी ट्रीटमेंट जो है अफोर्डेबल प्राइसेस में हम ऑफर कर सकें। कोई ऐसी कोई आपकी डिस्काउंट ऑफर या कोई गुलशन के लिए? हमारी ये 55 साल कराची नफसियाती अस्पताल को तकरीबन 55 साल हो गए और ये डिस्काउंट तो हमेशा से है, हमेशा भी रहेगा। कभी भी हम किसी भी मरीज को, या हमारा असूल है, डॉक्टर मुबीन अख्तर का असूल है कि वापस नहीं करते हैं पैसों को। जबकि मेहमान खुसूसी टाउन नाजिम डॉक्टर फरीद ने अपने खिताब में आवाम से इस बात का इजहार किया कि की जमात गुलशन इकबाल टाउन में नफसियाती बीमारियों के इलाज के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी और लोगों में आगाही फैलाएगी। नफसियाती बीमारी कोई आर नहीं है और नफसियाती मरीज होना कोई माजूरी या बेकार हो जाना इसका उनवान नहीं है। यही वो मैसेज है मेरा ख्याल है कि जो कराची नफसियाती अस्पताल और इसके बानी सैयद मुबीन अख्तर साहब देते रहे और आज माशाल्लाह उनके साहबजादे डॉक्टर अब्दुलरहमान साहब ने इसी पैगाम को गुलशन की आवाम तक पहुंचाने के लिए इस ब्रांच का इफ्तिताह किया, जिसके लिए आज हम सब यहाँ मौजूद हैं। इस पर तो मैं सबसे पहले इनको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला गुलशन इकबाल में इस ब्रांच के प्याम से खुद गुलशन के रहने वाले अफराद के लिए सहूलत होगी और इंशाल्लाह ताला जिस तरह हम भी गुलशन को गुलशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके इस इकदाम के नतीजे में इंशाल्लाह ताला गुलशन के आवाम के लिए एक बेहतरीन सहूलत के साथ उनके घर के नज़दीक ये सहूलत मौजूद होगी और ये इंशाल्लाह इनका हमारे साथ, हम समझते हैं कि एक तआवुन होगा कि ये गुलशन को वाकईतन गुलशन बनाने के हवाले से ये क्लिनिक इंशाल्लाह ताला अपना रोल मॉडल किरदार अदा करेगी। तकरीब में बानी कराची नफसियाती अस्पताल डॉक्टर मुबीन अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान में हर साल जहनी अमराज की वजह से 2300 अफराद मौत का शिकार हो जाते हैं, जबकि नशे की वजह से सालाना 3450 अफराद मौत का शिकार हो जाते हैं। इस तादाद में खुदकशी करने वालों की तादाद शामिल नहीं है। वर्ल्ड ऑन डेटा और वेबसाइट पर नशन होने वाले अदाद शुमार के मुताबिक उन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक्त मुमकिन तौर पर 500 से 600 माहिर ज़हनी अमराज मौजूद हैं, जो कि 23 करोड़ आबादी के लिए नाकाफी हैं। और दूसरे जो लोग हैं अफोर्ड नहीं कर सकते उनको मुफ्त मशवरा मिल जाए। तकरीब में मौजज़ीन के अलावा बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की और डॉक्टर मुबीन अख्तर की कावशियों को सराहा।
मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि डॉक्टर इंडियन अस्पताल का जो मकसद था 50 साल से पाकिस्तान में देनी और इलाज की सहूलत का, उसको उन्होंने खुद भी बहुत फैलाया, बहुत इसके ऊपर काम किया और आसान अल्फाज में काम किया और अपने जितने भी माता है वो लोग थे उनको ट्रेनिंग इस तरीके से की कि इस बीमारी का इलाज से हर बंदा जो है वो इस्तेफादा हासिल कर सके। और ये जो काम ये लेके चले हैं उसको मज़ीद अब हम लोग जो हैं टीम वर्क के हिसाब से फैलाएं ताकि लोगों को सेहतमंद ज़िंदगी मिल सके।